नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूँ विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने घाटी से आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का सफाया करने की जानकारी दी है। डीजीपी ने बताया कि त्राल की राजपुरा में हुए एनकाउंटर में 3 उग्रवादियों के मारे जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में गजवत उल हिंद का खात्मा हो गया है। डीजीपी ने यह भी बताया कि उग्रवाद पर नकेल कसे जाने से पाकिस्तान बौखला गया है और सीज फायर उल्लंघन की आड़ में घुसपैठिए भेजने की कोशिश कर रहा है। दिलबाग सिंह के मुताबिक जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद ग्रुप की कमान हमीद ललहारी को दी गई थी, जिसने कुछ लोकल लड़कों को आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया था। मूसा के बाद ये ग्रुप खत्म हो रहा था, लेकिन ललहारी इसे किसी तरह जिंदा रखे हुए था। मारे गए तीनों ही आतंकी अवंतीपुरा पुलवामा के रहने वाले थे। सिंह के मुताबिक गजवत उल हिंद फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन पहले से मौजूद कोई समर्थक उभर आए तो उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। गजवत उल हिंद के खात्मे के साथ साथ डीजीपी सिंह ने सुरक्षा बलों के नए टारगेट की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा, हमारा अगला टारगेट जैशे मोहम्मद का आतंकी यासिर हो सकता है। ये पाकिस्तानी आतंकी है और हामिद ललहारी के गैंग के साथ संपर्क में था। इस मौके पर डीजीपी ने घाटी के युवाओं से हथियार का रास्ता छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हथियार के रास्ते पर सिर्फ मौत मिलती है। खुशी की बात यह है कि अब आतंकी बनने की रफ्तार कम हुई है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल ली है। बुधवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई के मुख्यालय में बोर्ड की सालाना मीटिंग में गांगुली ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर दादा ने वही ब्लेजर पहन रखा था जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने पर दिया गया था। इस ब्लेजर को खास बताते हुए दादा फिटनेस पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा, मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि अब ये ढीला हो चुका है। गांगुली ने करीब 11 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था और बीसीसीआई में 1954 के बाद पहली बार कोई पूर्व कप्तान बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहा है। इस मौके पर गांगुली से धोनी के भविष्य को लेकर भी सवाल किए गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा, अभी मेरी धोनी से बात नहीं हुई है, लेकिन हम उनके भविष्य के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। वो एक चैंपियन है और चैंपियंस अपना खेल जल्दी खत्म नहीं करते हैं। भारत पहले की तुलना में अब ज्यादा सुरक्षित हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए 2017 के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हिंसक अपराधों में कमी आई है। 1 लाख की आबादी पर हिंसक अपराध ही नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्याएं भी घटी हैं। 2017 में भारत में मर्डर रेट पिछले 54 वर्षों में सबसे नीचे रहा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध 2016 में करीबन 34 लाख के मुकाबले 2017 में करीबन 36 लाख हो गए। ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध बढ़े हैं, लेकिन कई राज्यों में दहेज हत्याएं, पति ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के मामले में कमी आई है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मर्डर और गैर इरादतन हत्याएं झारखंड में दर्ज की गईं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड खराब है। किडनैपिंग के मामले में सबसे ज्यादा दिल्ली में दर्ज किए गए हैं केसेस। लूट और डकैती भी सबसे ज्यादा दिल्ली में हुई। यौन अपराधों के मामले में ओडिशा का हाल सबसे खराब है। पति या सगे संबंधियों द्वारा क्रूरता के मामले में असम सबसे पर है और वहीं पुलिस की हिरासत में बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान की स्थिति सबसे खराब है। नोएडा के सेक्टर 49 में स्थित भंगेल मार्केट में तब अफरा तफरी मच गई जब एक प्राइवेट बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बीच सड़क बस के जलने से लोग डर गए और अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगते ही बस में मौजूद यात्रियों को बाहर निकलवा दिया गया था। बताया जा रहा है कि बस CNG चलित थी और उसकी किट में आग लगने के चलते ही ये हादसा हुआ। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चली है, पर अच्छी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी BJP ने विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के कुल 6 विधायक पाला बदलकर BJP में शामिल हो गए हैं। इन 6 विधायकों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत भी शामिल हैं। इनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री रघुबर दास की मौजूदगी में सभी 6 विपक्षी विधायकों ने BJP की सदस्यता ग्रहण की। इनमें सुखदेव भगत के अलावा मनोज यादव कांग्रेस से आए हैं, कुणाल सारंगी JP भाई पटेल और चमड़ा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हैं, वहीं भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा से आए हैं। CM रघुबर दास अभी जन आशीर्वाद यात्रा में व्यस्त है और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले BJP और भी विपक्षी विधायकों को अपने खेमे में ला सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को जेल में जहर दिया जा रहा है। नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामलों में लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है।
सोमवार रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट में उनकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होने की बात सामने आई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की प्लेटलेट काउंट 16,000 से गिरकर 2,000 पर पहुंच गई थी। इसके बाद उनके बेटे हुसैन ने ट्वीट में लिखा, जहर के लक्षण है, अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो आप जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये है अभी की खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का YouTube पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का Facebook पेज।